हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर वन ऑफ क्लास नाइन और ये है लेक्चर वन। इसमें हम लोग बात करेंगे यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, वो क्या कहता है एंड उसका क्या यूज है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। तो उससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा है, राइट? हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, अभी तक कोई नंबर ले लेते हैं 29। ओके, हमने ये नंबर ले लिया, 3 से अगर इसको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास ये जाएगा 7 पर, 9 पर, दैट इज 27, राइट? एंड हमारा 3 बच गया। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, ये है डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड होता है, यहाँ पर डिवाइजर होता है, यहाँ पर क्वेशेंट होता है एंड जो रिमेनिंग हमारा बच जाता है वो होता है रिमाइंडर, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो 3 है वो हो गया डिवाइजर, 29 हो गया डिविडेंड, 3 हो गया रिमाइंडर एंड 9 इज क्वेश्चेंट। तो अभी तक हम ये सारी जो है लॉन्ग डिवीजन पढ़ते थे हमारी पहले वाली क्लासेस में। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिडियन ने क्या बोला, जो कि एक ज्योमेट्री के फादर थे, उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट करा, बहुत कुछ बताया ज्योमेट्री के बारे में। तो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि हम इस लॉन्ग डिवीजन को ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो हमारे पास जो डिविडेंड था वो क्या था, 29, डिवाइजर था 3, क्वेश्चन था हमारे पास 7 और रिमाइंडर आया था 3। तो आप देखोगे ये क्या बन गया, 9 था, यहाँ क्वेश्चन हमारा 9 था, तो ये बन गया 27 प्लस 3 एंड डिविडेंड भी 29। तो हमारे पास जो दोनों साइड क्या हो गया, 29 29। इसका मतलब हम डिविडेंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये बताई थी यूक्लिडियन, हमारे यूक्लिडियन मैथमेटिशियन ने। एंड यहाँ पर एक चीज़ और कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू बी आएगा, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर Q क्या है, ये है क्वेश्चन, R क्या है रिमाइंडर, A क्या है डिविडेंड एंड B क्या है डिवाइजर। वही चीज लिखी है, बस उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड जो B R की वैल्यू है वो 0 से लेके हमारे B के A के बीच में रहेगी, B के बीच में रहेगी, ओके? वो उससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं हो सकती वैल्यू,